और बिहार से खबर है, बिहार में पुल गिरने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। कोर्ट ने इस मामले में नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। पुल के गिरने की ये तस्वीरें कुछ हफ्ते पहले की हैं, जब बरसात शुरू होने के बाद बिहार में एक के बाद एक कई पुल गिर गए। प्रदेश भर में 15 दिनों में छोटे बड़े कुल 12 पुल धराशायी हो गए थे, जिसके बाद वकील ब्रजेश सिंह ने कोर्ट में याचिका दायर की। याचिकाकर्ता ने सभी कमजोर पुलों को गिराने का निर्देश देने की मांग के साथ ही सभी पुलों के ऑडिट करने की मांग की है। याचिका में कहा गया है कि बिहार में पुलों के बेहद दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से गिरने के संबंध में याचिका दाखिल किए जाने तक अररिया जिले में 6 पुल गिरे। इनमें से ज्यादातर पुल नदी पर बने थे। सीवान, मधुबनी, किशनगंज और अन्य जगहों पर ब्रिज गिरने की घटना का भी जिक्र याचिका में है। CJI DY चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने मामले की सुनवाई की, जिसमें कोर्ट ने बिहार सरकार को मामले पर जवाब देने के लिए नोटिस जारी किया है। सरकार को एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति के गठन के लिए 4 सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा है। याचिका में बिहार के सभी मौजूदा और निर्माणाधीन पुलों की निरंतर निगरानी और उनकी क्षमता को लेकर डेटाबेस तैयार किए जाने की भी मांग की गई है।